धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मैं तिलक राज चलाना इंसान एडवोकेट ब्लॉक सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से हूँ। मैं डेरा सच्चा सौदा से पिछले 21 साल से जुड़ा हुआ हूँ। नाम शब्द मैंने 98 में लिया था। जहाँ तक सिमरन की बात है, तो सतगुरु ने जो वचन किए हैं, सिमरन करने से क्या मिलता है, आज मैं आपको अपनी बात बताना चाहूँगा। सिमरन से जो खुशियाँ मिलती हैं वो कहने सुनने से परे हैं। पहले सिमरन नहीं होता था, लेकिन जब से सिमरन शुरू किया है करना, तब से ज़िंदगी के मायने ही बदल गए हैं। सिमरन करने के लिए सतगुरु को पूरे सच्चे दिल से याद करना पड़ता है। सतगुरु ने अपने नाम शब्द दिया, लेकिन उसका क्या मोल है अब पता चल रहा है। सतगुरु ने हमेशा वचन किए हैं भी, इतना सिमरन करोगे ये मिलेगा, इतना सिमरन करोगे ये मिलेगा। सतगुरु ने शब्द भी लिखे, लेकिन उनका अर्थ क्या है ये कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि सिमरन लोग करते नहीं हैं। सुमिरन करने से जो खुशियाँ मिलती हैं वो कहने सुनने से परे हैं। जब से मैंने सिमरन शुरू किया है, तब से मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। सोचने से पहले ही हर इच्छा पूरी हो जाती है। सुबह 2 बजे से 5 बजे के बीच भी सिमरन चलता है, अपने आप चलता है। पहले थोड़ा हिम्मत करनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है। सिमरन सिर्फ शब्दों का सिमरन ही नहीं है। सिमरन का मतलब ये है भी अपन सतगुरु को ख्यालों से याद करें, पल पल उसका शुक्राना करें। लोग कह देते हैं भी सिमरन चलता नहीं है, ख्याल और आते हैं। जब सिमरन करते हैं ख्याल और आते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ यही होता है भी वो अपने कर्म चक्कर होते हैं। जब तक अपने आप को हम पूरी तरह से सतगुरु को समर्पित नहीं कर देते, तब तक सुमिरन नहीं चलता, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। सतगुरु ने हमें बहुत सी नियामतें बख्शी हैं। सतगुरु ने सच्ची शिक्षा चलाई, सतगुरु ने नाम चर्चा, सत्संग, और यहाँ तक कि फिल्में बनाकर भी हमें बहुत समझाया, लेकिन वो सब चीज़ें हमें समझ में नहीं आई जब तक हमने सिमरन नहीं किया। लेकिन जब सिमरन करते हैं, तो सिमरन के बाद अब पता चलता है भी शब्द में आता है, सतगुरु की मोहब्बत ने हमको ये सिखाया है, जीने का मजा क्या है प्रेमी नहीं पाया है, उसका पता अब चल रहा है। हर पल उसका शुक्राना। अपने अंदर से ये आवाज़ आती है भी, हे मालिक तू ही है सब कुछ, तेरे सिवाय मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ जो चमत्कार हुए उनको मैं अगर बयान करूं तो सुबह से शाम हो जाए। पल पल उसने मेरी संभाल की है, उसने पूरी तरह गोद में बिठा के रखा है। जहाँ भी जाता हूँ उसकी रजा समझ के जाता हूँ, तो जो काम कभी हो मैंने सोचा भी नहीं था वो हो जाएगा, वो काम भी हो जाता है। बस बात है दृढ़ विश्वास की। दृढ़ विश्वास जब तक सतगुरु पे नहीं आता, तब तक सिमरन नहीं होता। दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है, और दृढ़ विश्वास आता है सिमरन करने से। जब तक अपने अंदर अहंकार है, जब ये सोच लेते हैं भी ये काम मैंने किया है, कोई भी दुनियावी काम है, चाहे रूहानियत का है, चाहे कोई भी काम है, चाहे सेवा है, जब तक अपने ये सोचते रहते हैं यार ये मैंने किया है, तब तक वो बात नहीं बनती। कोई भी कार्य है सतगुरु पर छोड़ना पड़ता है। जब तक अपने हर कार्य को सतगुरु पर नहीं छोड़ते, तब तक ना तो सिमरन चलता है, ना ही सेवा का वो फल मिलता है। सतगुरु ने हमेशा अपने को सत्संगों के द्वारा भी समझाया, मजलिस में भी समझाया, इतना समझाया कि अब क्या बताएं सिमरन की ताकत। मेरे को जो जिस बीमारी का नाम कैंसर था, वो तक ठीक कर दिया सतगुरु ने, इससे ऊपर तो क्या होगा। उसने मौत जैसे कर्म तो इतनी बार काटे हैं कि मैं अब क्या बयान करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। इसलिए सुमिरन का पक्का होना बहुत जरूरी है। आज का जो समय चल रहा है, अपने सतगुरु अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं,
दुनिया देखने वाली दुनिया ये कहती है भी ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो उसके जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने को सतगुरु को समर्पित करने के लिए सुमिरन अपने नहीं करते, इसके लिए ही वो हम वहाँ पे गए हैं। दुनियावी नज़रिए से तो कुछ और है, लेकिन रूहानियत जो कहती है वो कुछ और है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पास है, मेरी सारी दुनिया एक पास है। तो जब तक ये भावना अपने अंदर नहीं आती, तब तक अपने रूहानियत के मुकाम पे आगे नहीं बढ़ पाते। कोई भी कार्य है, जब तक सतगुरु पे छोड़कर नहीं किया जाता, तब तक वो उस कार्य में अपने को सफलता नहीं मिलती। सतगुरु की रजा को मानते हुए और अपने हर कार्य को ईमानदारी से, वफादारी से, ड्यूटी समझकर करते हुए जब अपन सिमरन करते हैं, तो सिमरन करना नहीं पड़ता, सिमरन अपने आप चलता है। सिमरन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही चलने लगता है। पर बात यह है कि अपने दिन भर में जो कार्य करते हैं, जो दिनचर्या अपनी होती है, उस दिनचर्या के अंदर अपने को सतगुरु की याद को शामिल करना पड़ेगा। जब तक अपन उसको शामिल नहीं करते, तब तक सुमिरन जब करेंगे अपना सिमरन नहीं चलेगा। विचार इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पता नहीं दुनियादारी में कहां कहां भटकते फिरेंगे। विचारों का एकाग्र होना अति जरूरी है। विचार एकाग्र तभी होते हैं जब अपन दिन भर में दिनचर्या में उसकी याद को शामिल करें, उसको ख्यालों से याद करें, उसको ये कहें भी मेरा तो सब कुछ तू ही है, तेरे सिवाय तो मेरा कुछ है ही नहीं। जब भी अपने खाना खाएं तो उसका शुक्राना करें भी, तेरी इतनी रहमत है जो तूने मुझे को अच्छा खाना दिया है। आप जगत के सभी जीवों पर रहमत करना भी, सभी को अच्छा खाना नसीब हो, सबको मिले, नाश्ता मिले, कोई भी जीव भूख प्यास से न तड़फे। जो भी जीव इस धरती पर सांस ले रहा है, कोई भी जीव भूख प्यास से न तड़फे। जो तेरी रजा, जो तेरे लिए सही है, जो वो सबको मिले, कोई भी गमगीन ना हो, कोई भी परेशान ना हो, कोई भी दुखी ना हो। जब अपने सभी का भला मांगते हैं तो अपना भला तो सतगुरु अपने आप ही कर देता है। इसलिए कभी भी गम, चिंता, दुख, परेशानी होती है तो अपने को सिमरन करने से वो एक पल में दूर हो जाती है। पर बात यह है कि जब तक अपने अंदर से उसको ख्यालों से याद नहीं करते, तब तक सिमरन अपना चलता ही नहीं है। इसलिए सारी सत्संग से यही बेनती है, बार बार यही कहूँगा मैं, कि सिमरन के पक्के बन जाओ। सिमरन करने से बहुत खुशियाँ मिलती हैं, सिमरन करने से वो नज़ारे मिलते हैं जो कभी कल्पना भी नहीं की होते। धन धन सतगुरु तेरा।